कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम की तैयारी करने के लिए आजकल क्विज का एक काफी अहम रोल है। सो हमने भी एक क्विज एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जीके बॉस। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जिन्हें आप एक गेम की तरह प्ले करके खेल सकते हैं, जिसमें आपको मजा भी आएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। जीके बॉस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे जीके बॉस और सबसे पहले आपके सामने यही एप्लीकेशन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहां से इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन होते ही कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका साउंड ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वाइब्रेशन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आप यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम दिखता है तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी। कैटेगरीज आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलती है, और अगर आपको इंडियन लॉ से जुड़ी क्विज यहाँ पर प्ले करनी है तो आप इंडियन लॉ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक सब कैटेगरी है इंडियन पिनल कोड, लेकिन टाइम के साथ साथ ही यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज आ जाएगी। सीपीसी, सीआरपीसी सभी एक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इंडियन पिनल कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे लेवल्स मिलते हैं और हर लेवल में 10 क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप एक लेवल को पास नहीं करेंगे आप सेकेंड लेवल में नहीं जा सकते। लेवल प्ले करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और इसके साथ ही 4 ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी सही आंसर लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर ग्रीन हो जाता है तो सही, और अगर रेड हो जाता है तो मतलब आंसर गलत है। यहाँ पर जो ये स्टार बना हुआ है ये बुकमार्क है, आप अपने फेवरेट क्वेश्चन को यहाँ पर बुकमार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कॉइन शो होते हैं और यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो शो होते हैं, और यहाँ पर टाइमर चलता है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको लाइफलाइन मिलती है, 50-50 है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो 2 गलत आंसर हैं वो डिलीट हो जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर सही आंसर चूज करना होगा। लेवल पूरा होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये समरी आ जाती है जिसमें आप एक नेक्स्ट लेवल प्ले कर सकते हैं। ये जो आपने आंसर्स दिए हैं आप उनका रिव्यू कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एक लाइव सर्वर पर होस्ट किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर रोजाना नई नई कैटेगरीज, नए नए लेवल्स और नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 10 लेवल्स मिलेंगे, लेवल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक निशान दिया गया है, आपको बताना होता है कि इस निशान का क्या मतलब है। जिन क्वेश्चंस को भी आप बुकमार्क कर देते हैं उन्हें आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पीले पर क्लिक करेंगे तो जिन क्वेश्चंस को आपने बुकमार्क किया है सिर्फ वही क्वेश्चंस यहाँ पर पीले होंगे। इसका फायदा आपको ये होगा कि अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग लेवल्स में आप अपने फेवरेट क्वेश्चंस को बुकमार्क कर सकते हैं और फिर उनको यहाँ पर एक साथ खेल सकते हैं। जीके बॉस एप्लीकेशन को एक लाइव सर्वर पर होस्ट किया गया है, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसको फौरन ही सही कर दिया जाएगा। साथ ही आपको रोजाना इसमें नए नए लेवल्स, नए नए कैटेगरीज और नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी एप्लीकेशन को बिना अपडेट किए हुए। इस एप्लीकेशन में अभी तक हमने काफी सारी कैटेगरीज ऐड की है जो आपके कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। जीके बॉस एप्लीकेशन में काफी सारी कैटेगरीज है और हर कैटेगरी में काफी सारे लेवल्स हैं, और हर लेवल में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक सही और बाकी 3 गलत है। आपको सही आंसर चूज करना है। जैसे ही आप कोई सही आंसर चूज करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अगर आप गलत आंसर चूज करते हैं तो आपके 2 पॉइंट्स कट हो जाते हैं। इन पॉइंट्स को आप लाइफलाइन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 4 अलग अलग तरह की लाइफलाइन दी गई है, एक 50-50, सेकेंड है स्किप जिसमें आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, थर्ड है ऑडियंस पोल, इसमें आप ऑडियंस पोल ले सकते हैं, और फोर्थ है टाइमर को रिसेट करना। इसमें एक टाइमर चलता है, आप चाहे तो उसको रिसेट भी कर सकते हैं। सो आपके फोन में, आपके बच्चों के फोन में ये एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, जिसे आप ऐसे गेम खेल सकते हैं जिसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको काफी मजा भी आएगा। सो इस एप्लीकेशन को अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर 5-स्टार रेटिंग और अपना एक बढ़िया सा कमेंट करना ना भूले। अगर आपको इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या आपका कोई सजेशन है, कोई सलाह है, तो आप support@limak.com पर ईमेल कर सकते हैं। आपके सजेशन को सीरियसली लिया जाएगा।